धंधे वाला जो है ना, उसके दो विशेषता है, दो क्वालिटीज है, और जो हमने देखी अभी तक उसमें एक नंबर एक है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना बाबा? आप ये मत करो, मतलब मिल जाएगा आपको सब, है ना? इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ करना है, यदि धंधा बढ़ाने का है, खुद का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है, उसकी जवाबदारी किसकी है? खुद की जवाबदारी। आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में आपका टीचिंग अच्छा होना चाहिए, जवाबदारी किसकी है? हेडमास्टर की। बोलते नहीं हमको, इनको टीचर लोगों को सब सिखाओ, सब ये करो तो हमारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो जवाबदारी उसकी है। धंधा किसका है? उसका है। या फिर वो तुम्हारी मैनेजमेंट होगी, धंधा उसका है। तुम तो नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, तुम तुम्हारी क्या जवाबदारी है? धंधे वाला जो है वो खुद चालक, खुद मालक जो है, उसको खुद को ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जवाबदारी उसकी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, खुद को जाना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, सब खुद को करना पड़ेगा। तो आलस करके नहीं होता उसमें, करेंगे 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 ऐसा करके नहीं होता, है क्या? ही डज नॉट एक्सपेक्ट इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम एनीबडी अनलेस ही हैज एडेड वैल्यू टू हिम। किसी से भी आप पैसा वसूल नहीं कर सकते या ले नहीं सकते, कोई भी कस्टमर से, जब तक आप कस्टमर को कुछ वैल्यूएबल देते नहीं, है ना? वैल्यूएबल देना, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा तो धंधा चलेगा। इसका मतलब क्या है कि एक कपड़े का दुकान है, दूसरा एक कपड़े का दुकान है। अब दो दुकान कपड़े के है तो एक दुकान कपड़े का अच्छा चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, माल तो सही का ही है, फिर क्या हो रहा है? कुछ तो भी वो अलग कर रहा है, कुछ तो भी वैल्यू एड कर रहा है कस्टमर को, इसलिए कस्टमर उसके पास में जा रहे। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, उसका दवाखाना चलता नहीं है, और एक चार बार फेल हुआ डॉक्टर है, उसका दवाखाना अच्छा चलता है। इसका मतलब वो चार बार फेल हुआ है, उसको मालूम है धंधा कैसा करना, और वो कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर रहा है, कहीं ना कहीं बिगड़ देता है। तो हाल लक्षात ना किशोर भाऊ, कहीं तरी बिगड़ करू ना, तो तुम्हें जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपका धंधा चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट आपकी खुद को आपने करना है, जवाबदारी आपकी है, आप किसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और गिराई लोगों को जो है वो आपको सर्विस देनी पड़ेगी, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। और वैल्यू ऐड का मतलब ऐसा है कि टपरी में समझो, भी ये होटल में हम जहां अभी रुक रहे हैं, यहां समझो 25 रुपए कप की चाय होंगी, हो सकता है कि शायद बाहर टपरी जो है वो टपरी के ऊपर 15 रुपए की चाय होंगी या 12 रुपए की चाय होंगी, मगर 25 रुपए वाले भी पीते हैं, क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो आपको बैठने के लिए बड़ा हॉल है, सोफा है, टेबल है, वो एकदम वेटर आता है टाई वाला और वो आपको पूछता है।